दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। कम लागत में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप स्क्रबर का बिजनेस कर सकते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत आप केवल 2.5 से 3 लाख रुपए में कर सकते हैं। इसे बनाना काफी आसान होता है और इसका इस्तेमाल लगभग हर घर या ऑफिस में बर्तनों को साफ करने के लिए रोज किया जाता है, इसलिए मार्केट में इसकी डिमांड बनी हुई है। और अगर बात करें इसके मार्केटिंग की तो इसे आप अपने एरिया के किराना स्टोर, जनरल स्टोर, शॉपिंग मॉल इत्यादि को बेच सकते हैं। और अगर बात करें इस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट की तो आप एक पैकेट के पीछे 15 से 20 रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं सारे खर्चों को निकाल के। वैसे ये प्रॉफिट हर लोकेशन का अलग अलग भी हो सकता है, यानी कहीं थोड़ा ज्यादा और कहीं थोड़ा कम। दोस्तों, अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी और आपके द्वारा तैयार स्क्रबर की पहुंच आपके एरिया के हर दुकान तक हो तो आप बहुत जल्दी ही अपने बिजनेस को काफी आगे ले जा सकते हैं। और इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि शुरुआत में अपने स्क्रबर के साथ कुछ ऑफर दें, जैसे कि 12 के साथ 2 पीस फ्री, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को थोड़ा ज्यादा कमीशन देके अपने स्क्रबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी मेहनत के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे स्क्रबर को तैयार कर सकते हैं, इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स और मशीन की जरूरत होती है और बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन से लाइसेंस की जरूरत होगी। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको केवल एक ही मशीन की जरूरत होती है, जिसे स्क्रबर पैकिंग मशीन कहते हैं। और इस मशीन के जरिए स्क्रबर को बड़ी आसानी से पैक किया जा सकता है। और ये मशीन सिंगल फेज बिजली से चलती है, यानी इसे हम घर की बिजली से भी चला सकते हैं। दोस्तों, इस मशीन को चलाना काफी आसान है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और इस मशीन के जरिए आप 1 घंटे में 12 पीस के 80 से 120 पैकेट तैयार कर सकते हैं। मशीन सप्लायर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मशीन ज्यादा जगह भी नहीं लेती है और इसे आप घर के किसी कोने में रख स्क्रबर को पैक कर सकते हैं। इस मशीन को घर की लेडीज या दूसरे लोग भी बड़ी आसानी से चला सकते हैं। और इस मशीन को चलाने की ट्रेनिंग आप जहां से मशीन खरीदेंगे आपको वहीं से मिल जाएगी और कुछ ही दिन में आप इस मशीन को ऑपरेट करना सीख जाएंगे। और दोस्तों, अगर बात करें इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल्स की तो इसके लिए आपको केवल स्क्रबर, आपके ब्रांड का छपा हुआ पेपर और प्लास्टिक कैप की जरूरत होती है। और आपको ये स्क्रबर आपके बाजार में 140 से 180 रुपीज के हिसाब से मिल जाएगा। और आप 1 kg रॉ मटेरियल्स के जरिए 8 से 10-12 पीस के स्क्रबर का पैकेट तैयार कर सकते हैं। और अगर बात करें ब्रांड के छपे हुए पेपर की तो इसे आप अपने एरिया के किसी भी ऑफसेट प्रिंटिंग वाले से प्रिंट करवा सकते हैं और आपका डिजाइन भी वहीं बन जाएगा जहां से आप इसे प्रिंट करवाएंगे। प्रिंटिंग वालों के पास डिजाइनर होते हैं जिनके जरिए आसानी से डिजाइन तैयार हो जाते हैं। और आपके एरिया में ऐसे बहुत सी दुकानें होंगी जहां पोस्टर, बैनर इत्यादि छपते होंगे। आपको बस ये ख्याल रखना होगा कि आपकी प्रिंटिंग काफी अच्छी होनी चाहिए और आपकी पैकेजिंग लोगों को पसंद भी आनी चाहिए, क्योंकि आपकी पैकेजिंग जितनी अच्छी होगी आपको बेचने में उतनी ही आसानी होगी। और वहीं दोस्तों, अगर बात करें इसकी पैकिंग में लगने वाले कैप की तो ये कैप आपको 25 पैसे से 50 पैसे पर पीस या फिर 120 से 150 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको कुछ पैकिंग मटेरियल्स की भी जरूरत होगी। और इसके अलावा आपको अपने स्क्रबर को सेल करने के लिए जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसे भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने पास के शहर में किसी बिजनेस कंसल्टेंट या फिर सीए के जरिए भी करा सकते हैं। और इसके अलावा आपको एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और करंट बैंक अकाउंट की भी जरूरत होगी, जिससे कि आप अपने बिजनेस का सारा लेन देन कर सके। और दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले आप ये सारा रजिस्ट्रेशन करा ले ताकि आपको अपने बिजनेस को चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट कर। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।